अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्नर अकेडमी बाय बिया ब्लॉच। माई सेल्फ मेरा राजपूत। आज जो हमने बात करनी है वो टॉपिक नंबर 5 है, क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का, जो कि सब्जेक्टिव वेलबींग अक्रॉस कल्चर आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हमें सीखना है कि जो उनकी वेलबींग है वो कल्चर टू कल्चर किस तरह से वेरी करती है। ठीक है, कौन सी सब्जेक्टिव है इसका? लाइफ सेटिस्फैक्शन कनेक्टिव एवेल्यूएशन ऑफ वंस ओवर लाइफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस एब्सेंस नेगेटिव इमोशनल एक्सपीरियंस। अ पर्सन इज डिस्क्राइब एज एंजॉय हाई लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग इफ ही इज सेटिस्फाइड विद हर लाइफ एक्सपीरियंस पॉजिटिव। अगर तो अपने मतलब लाइफ के साथ सही से सेटिस्फाइड है, उसके जो एक्सपीरियंस होगा, उसके जो इमोशंस होंगे पॉजिटिव होंगे। अगर तो वो कह लो कि सेटिस्फाइड नहीं है, उसके जो इमोशंस होंगे वो नेगेटिव होंगे, उसके अंदर एंजाइटी होगी, सैडनेस होगी, डिप्रेशन होगा। ठीक है, और अगर तो वो बिल्कुल अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाइड है तो उसके अंदर जो आए अफेक्शन जो होगा वो होगा। सम कल्चर हैप्पियर देन अदर, कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जो कि हैप्पियर है दूसरे, मतलब कि अगर हम देखा जाए तो मतलब कि अगर हम कल्चर टू कल्चर अगर कंपैरिजन किया जाए, डिफरेंस इन द मेन लेवल ऑफ सब वेलबींग रिपोर्टेड बाय डिफरेंट कल्चर मेंबर। ठीक है, यहाँ पे द मेन लाइफ सेटिस्फेक्शन रेटिंग 7 पॉइंट रेंज ऑफ 3 चाइना में, चाइना की जो थी 7 पॉइंट स्केल था, जिसमें से 3.3 चाइना, 5.4 नीदरलैंड। ठीक है, ये सैम्पल जो है हमारे पास आया था। वाई डू कल्चर इन अकॉर्ड ट्रेडिशनली मैनी स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट द फैक्ट द हैप्पियर नेशन आर सिंपली वेल्थर। मतलब उन्होंने कहा था कि ट्रेडिशनली ये कहा गया था कि जो उनसे हैप्पी नेशन है ना, वो क्या है कि उनके पास पैसा है जिसकी वजह से वो खुश हैं। ठीक है, मतलब अपनी लाइफ सेटिस्फाइड है किस वजह से, कि उनके पास पैसे हैं तो वो इस वजह से खुश हैं। ऐसे कल्चर जिनके पास मतलब वो गरीबी है, तो वो अपनी लाइफ से जब सेटिस्फाइड नहीं हो सकते तो उनके अंदर जो उनकी कह लो कि एंजाइटी ये वाली चीज़ें जो उनसे होती है वो होना शुरू हो जाती है। तो लेकिन ये जो उनकी ये बात है किसी हद तक वेरी करती है, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं किया जाता। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदे ही खुश है जिनके जिनके पास पैसे हों या वेल्थ है वही खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बंदे भी सेटिस्फाइड हैं। ये होती है कि आप लाइफ से क्या चाह रहे हो, आपकी डिमांड्स क्या हैं, ये उसकी बेस पे होती है। ठीक है, और इसके अंदर और ये है कि हमारा जो कल्चर, जो कल्चर की सेटिस्फैक्शन है, मतलब कल्चर में हमारा किस तरह से हमारी जो लाइफ है वो सेट है, या फिर उसकी बेस पे भी होती है कि अब हर कल्चर का जो सा डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है, अगर एक कल्चर में ये एक किसी तरह से दूसरे कल्चर में और है, अगर हम मतलब कि देखा जाए कि हमारे इस्लामिक कल्चर है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल जो सा वेलबींग लेवल क्या है कि क्लोजनेस टू अल्लाह ऐसी चीज़ों पे आएगा, लेकिन जो ये दूसरे जो उनसे कल्चर उनमें ये वैरी नहीं करता। तो क्या है कि इसका भी बहुत ज़्यादा होता है, लिंक होता है कल्चर्स टू कल्चर्स के, किस तरह से ये कल्चर्स पे वैरी करता है। और उसके बाद इसके अंदर हम देखते हैं कि एज डिफरेंट, एज मतलब कि एज एंड जेंडर डिफरेंट पर्सनैलिटी के ये भी इम्पैक्ट करती है। जो सी है एज डिफरेंट जो सी होती है वो कह लो कि वो कुछ लोगों का मानना है कि एज डिफरेंट बहुत ज़्यादा होती है और जेंडर भी, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एज और जेंडर का वेलबींग से या हैप्पीनेस से दूर दूर तक तो कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अगर वो बंदा मतलब जिसकी ज़्यादा हो चुकी है, अगर उसने अपनी लाइफ के हर गोल को अचीव कर लिया तो वो उसकी जो उनकी वेलबींग होगी, ठीक है, उसकी जो उनकी लाइफ होगी वो अपनी लाइफ सेटिस्फाइड होगा बेस, और ज़ाहिर बात है वो सेटिस्फाइड है तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली उसके पास होंगी। एक वो बंदा
मतलब उसने दोनों के सेम है लेकिन उसने अपनी लाइफ से जो चाहा था या गोल उसके अचीव नहीं हुए, वो बंदा क्या होगा कि उसको अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली होगी और वो वेलबींग की तरफ नहीं जाएगा। तो ये दोनों में कह लो कि ये बात मैटर नहीं करती कि एज या जेंडर जोन सा वेलबींग या हैप्पीनेस पे इफ़ेक्ट करता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आज का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है कि हमने ये देखना था कि जो उनसे वेलबींग है वो क्रॉस कल्चर्स में किस तरह से वैरी करती है।